इस बार सावन माह में मलमास आने के कारण सावन 2 महीने का है। सावन में इस बार 8 सोमवार हैं। पुराणों में बताया गया है कि इस सावन में पूजा पाठ और दान देने का खास महत्व है। यही कारण है कि पानीपत शहर में 40 जगह पर भगवान कथाएं चल रही हैं। चूंकि 19 साल बाद इस बार मल मास सावन महीने के बीच आया है, इसलिए इस बार सावन 2 महीने यानी 58 दिन का है। पुराणों के अनुसार हिंदू शास्त्रों की गणना में महीनों का बंटवारा होने के बाद जो दिन बचे थे उनका मल मास बना। जब कोई देवता इसे अपनाने को तैयार नहीं हुआ तो भगवान विष्णु ने मल मास को अपनाया और इसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया। ये भी कहा कि इस महीने में पूजा और दान दक्षिणा का विशेष महत्व रहेगा। यही वजह है कि पानीपत में आजकल कम से कम 40 जगहों पर भागवत कथाएं और श्रावण यज्ञ चल रहे हैं। पानीपत के मॉडल टाउन आर्य समाज में सोमवार को श्रावण यज्ञ की पूर्ण आहुति डाली गई। श्रावण मास में ही हवन यज्ञ किए जाते थे, क्योंकि उन चतुर्मास की जिसमें ये किया जाता था कि ऋषि मुनि अपने अपने जहाँ पे भी कच्चे मकान या कुछ जहाँ भी ये यज्ञशालाएं होती थी तो उनको छोड़ के पक्की जगहों में जाने के लिए तो गांव में या शहरों में जाते थे, उनकी धर्मशालाओं में बैठ के उसका वचन मनन करते थे तो लोग सुनते थे। उन 4 महीनों का वह विशेष मंथ कहलाता है। ऐसा कि श्रावण मास में जो यज्ञ किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि जो वृष्टि जो वर्षा ऋतु में कि अगर वर्षा नहीं हो रही तो वर्षा होगी, अगर वर्षा ज़्यादा हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये यज्ञ किया जाता है। वेदों के मंत्र होते हैं जो कि उसमें इतनी ताकत होती है कि वो वर्षा ला भी सकते हैं और वर्षा को बंद भी कर सकते हैं। इसी तरह पानीपत सेक्टर 17 के राधा माधव मंदिर की भागवत कथा में श्रद्धालु रोजाना कथा सुनने आते हैं। शहर के मॉडल टाउन सेक्टर 11-12, किले के नीचे किशनपुरा और अंसल टाउनशिप जैसी जगहों पर 40 जगह भागवत कथाएं चल रही हैं। और मथुरा के पास एक सुंदर स्थान है जिसको हम कहते हैं वृंदावन, वृंदा का वन, तुलसी का वन। वहां पर आप अपने ब्रजवासियों के साथ में, कन्हैया के साथ में आप वहां आ जाओ। गौरतलब है कि सावन महीना 4 जुलाई से शुरू हुआ और 31 अगस्त तक रहेगा। खास बात यह है कि इस सावन में 8 सोमवार हैं, 4 पूरे हुए, अभी 4 और आने हैं। मल मास 16 जुलाई तक है, यानी इसके बाद 15 दिन और सावन। इस सावन में ज्यादा पूजा अर्चना मतलब ज्यादा कृपा बरसना। सहयोगी श्रीनिवास और अंशिता डंग के साथ पानीपत ब्यूरो की रिपोर्ट।